दोस्तों बहुत साथी ऐसे हैं जो पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, बहुत बार टेट की परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन हर बार वो एक नंबर, दो नंबर या चार नंबर से फेल हो जाते हैं। मेरे बहुत से शिक्षा मित्र दोस्त जिनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है, अब वो नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर एक दो नंबर से रह जा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आज का वीडियो आप लोगों को टेट पास करा के रहेगा। ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे लाखों लोग टेट पास करेंगे। आज बात करेंगे बिना पढ़े सिर्फ एग्जाम वाले दिन पेपर कैसे हल किया जाए कि आप लोग पास हो जाएं। बहुत से साथी ऐसे होंगे जो बिना पढ़े ही जाते होंगे, उनके 70 या 80 75 नंबर आ जाते हैं। तो उन 75 को 90 या 95 में कैसे पहुंचाना है मैं आज बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे ये ट्रिक काम करेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं टेट परीक्षा में क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो टेट परीक्षा में 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जनरल भाइयों बहनों को 90 नंबर और अदर को ओबीसी एससी एसटी को 82 नंबर लाने होते हैं पास करने के लिए। ये 90 और ये 82 दोनों क्रॉस कर जाएंगे इस विधि से आप लोग। तो क्या करना है, पहले 1 घंटा 15 मिनट में आप लोगों को 1 से 150 क्वेश्चन तक जाना है। टोटल 1 से स्टार्ट करिए, 150 तक जाइए, जो पहली नज़र में देख के आपको क्वेश्चन आ रहा हो वो हल कर दीजिए। 10 सेकंड 15 सेकंड लेके आप लोग 1 घंटा 15 मिनट बहुत समय होता है। क्वेश्चन 1 से शुरू कीजिए, 150 तक जाइए। मान लीजिए 1 से 150 तक जाने पर आपको 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 70 कर दीजिए। ठीक है, ये 70 आपने कर लिए। इसके बाद अगले 15 मिनट में आपको ये 70 गोले भर देने हैं। 70 गोले भर दिए, ये हो गया 1.5 घंटा समय। अब क्या करना है, अगले 30 मिनट में पूरे 150 क्वेश्चन में उपरोक्त सभी देख लिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उपरोक्त सभी एग्जामिनर 4 ऑप्शन देता है, जब उसे चौथा 3 सही होते हैं तभी उपरोक्त, ज़्यादातर 90% में उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन तभी वो डालता है जब 90% वो 3 ऊपर के सही होते हैं। तो वो क्वेश्चन छांट लीजिए, वो क्वेश्चन मान लीजिए 10 हैं, तो 10 उपरोक्त सभी वाले कर दीजिए। 10 में से मैं दावे के साथ कहता हूँ लगभग 8 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो आपने अटेम्प्ट कितने किए, इधर 80 70 10 80, और आपके क्वेश्चन हुए अभी 78 या 78 हो गए सही। अब देखते हैं, अब ये आप गोले 15 मिनट में, इसे आधा घंटे में ये 10 क्वेश्चन छाटने हैं और इनके गोले भी भर देना। तो आपने 80 गोले भर दिए हैं। 80 गोले भरने के बाद आप इसमें चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सबसे कम भरा गया है। जैसे कि इसमें देखो सी नंबर 2 बार भरा गया है, डी नंबर भी 2 बार भरा गया है, ए नंबर भी 2 बार भरा गया है, लेकिन बी यहाँ पर 1 बार भरा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में 80 में देख लीजिए जो सबसे कम 10 या 12 बार भरा गया हो। तो बाकी अब जो यहाँ पर बचे हुए 70 प्रश्न जो बचे हुए हैं, जो सबसे कम ऑप्शन भरा गया है, आप पूरे 70 के 70 उसी ऑप्शन को, मान लो बी सबसे कम भरेगा, तो पूरे 70 बी भर डालिए। जब आप 70 बी भर देंगे तो देखेंगे कि ए बी सी डी में से 4 में से लगभग 25% एक अगर पूरे आप भर देते हैं, चाहे ए भर दें चाहे बी भर दें सी भर दें, लेकिन यहाँ पर आपने सबसे कम वाला भरा है तो उसके 25% सही होने के चांस हैं। तो इसका जब 70 का 1/4 निकालोगे, 17 चौक 68, तो लगभग 17 क्वेश्चन बनेंगे। बनेंगे तो 18, लेकिन 17 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अब देखोगे आपके 70, 8, 78 और 88, अब 95 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये जनरल वाले भी निकल जाएंगे और ओबीसी वाले भी निकल जाएंगे। तो ये ट्रिक बहुत ही प्रभावी ट्रिक है, इस ट्रिक से मैंने कई बार परीक्षा पास की है और इसमें कोई भी मेहनत नहीं है, क्योंकि कोई भी आज जो भी पेपर देता है इतना तो पढ़ के जाता है, कोई 75 80 से किसी के कम नहीं आते, 70 75 तो आ ही जाते हैं। तो आपको सबसे पहले 1 से 50 तक जाना है, ये क्वेश्चन करना है, इसके बाद उपरोक्त सभी के कर लेना है, और बचे हुए जो भी बच रहे हैं, तो जो सबसे कम ऑप्शन भरा गया है उसको पूरे को पूरे एक ही ऑप्शन बी सी डी जो भी आप सबसे कम भरा 70 पूरे 1 ही भर दीजिए। क्योंकि आप यही गलती करते हैं, ये 70 ए बी सी अलग अलग भरते हैं तो उसमें चांसेस रहता है कि कोई भी सही ना निकले या 2-4 सही निकले। जब 1 आप पूरे 70 के 70 भर देंगे तो 17 से 18 क्वेश्चन जरूर सही निकलेंगे और आप आसानी से टेट परीक्षा पास कर जाएंगे। तो कैसी लगी मेरी ट्रिक, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इसी प्रकार की ट्रिक बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।